गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज आप लोगों का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 देखिए एसएसटी है और चैप्टर 2 में आप लोगों को मेनली हिस्ट्री है। देखिए चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है, किंगडम इन दक्कन एंड साउथ। इसमें दो रीजन के बारे में पढ़ना है, डेक्कन रीजन एंड साउथ रीजन। तो आपको जानना होगा कि डेक्कन रीजन का एम्पायर कैसे एक्सपेंड हुआ, वहाँ पे कौन कौन से किंग हैं, उनका रीजनल क्या था, कैपिटल क्या था, उनमें फेमस किंग क्या थे और उनके द्वारा क्या क्या वर्क किया गया, यह इम्पोर्टेंट है। आप फर्स्ट वीडियो में मेनली दक्कन का एम्पायर के बारे में पढ़िएगा या दक्कन किंगडम के बारे में पढ़िएगा, और जो सेकेंड वीडियो इसका पार्ट्स आएगा उसमें आप क्या पढ़िएगा, साउथ इंडिया के बारे में या साउथ किंगडम के बारे में। तो देखिए किंगडम क्या होता है, पहले बहुत सारे विलेज होता था, विलेज को आपस में जब कंबाइंड हो जाता था तो वहाँ पे एक रूलर क्रिएट होता था। वही रूलर क्या करता था कि पूरे विलेज साइड का एरिया जो भी होता था वहाँ पे वह एडमिनिस्ट्रेट करता था, ठीक। तो छोटा सा किंगडम हुआ करता था उस समय दक्कन रीजन में, बहुत सारा रीजन में छोटा छोटा किंगडम हुआ, उसी किंगडम के बारे में आज आप लोग पढ़िएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट किंगडम क्या था, आते हैं दक्कन इन इंडिया। दक्कन उस समय जो भी किंगडम जो ग्रोथ हुआ मैक्सिमम वह मेडिवल पीरियड में। मेडिवल पीरियड कब से कब तक चला, तो याद रख सकते हैं कि मेडिवल पीरियड 8th to 12th century। तो आप ऐसे इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि मिडिवल पीरियड 8th to 12th century चला। अब आते हैं राष्ट्रकूट, तो ध्यान से देखिएगा राष्ट्रकूट या फाउंडर। तो राष्ट्रकूट ये भी एक डायनेस्टी था और इसका जो फाउंडर थे वह दंती दुर्ग। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं हुआ द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट तो दंती दुर्ग। इनका जो रीजन था वह महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र जो मॉडर्न महाराष्ट्र है वही क्या था, रीजन था राष्ट्रकूट का, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अब आते इसका कैपिटल क्या था, तो मालखेद था। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो कैपिटल जो था वह मालखेद था। और फोर्ट विद वे हमेशा किससे लड़ते रहे, तो पाल, प्रतिहार एंड गुर्जरहार। तब ऐसे याद रख सकते हैं पाल और प्रतिहार, तो वे हमेशा पाल और प्रतिहार से फॉट करते रहे। इसका सबसे बड़ी रीजन है कि कोई भी किंग किसी एक दूसरे से फॉट क्यों करते थे, इसका सबसे बड़ा रीजन होता था कि वे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे। एक्सपेंड करने से अगर वे ज़्यादा एम्पायर को एक्सपेंड करते तो उनको मोर टैक्स आता और उतना ही उनका एम्पायर क्या होता, वास्ट होता और वे फेमस होते। अब आते हैं कि वे क्यों फोर्ट करते थे और किस रीजन के लिए करते थे। तो गुर्जरहार, तो याद रखिएगा कि गुर्जरहार प्रतिहार गुजरात रीजन से रिलेटेड थे, वे इनका जो क्षेत्र आता था या जो रीजन आता था गुजरात था, प्रतिहार। और पाल का जो रीजन था वह बंगाल था। इस तरह से याद कर सकते हैं, इंडिया की मैप आप लोगों को दिख रहा होगा कि गुजरात में कौन थे, तो प्रतिहार, बंगाल में कौन थे, पाल, और नीचे आइएगा तो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन थे, राष्ट्रकूट। अब एक चीज देखिएगा कि जो बीच का जो रीजन था जो दिख रहा होगा यह कन्नौज था। तो कन्नौज क्या था, तो कावेरी और कृष्णा रिवर से एक टापू बना हुआ था, एक तरह से लैंड कह सकते हैं, और यह बहुत फर्टिलिटी लैंड था। तो उस समय लोगों का मेन ही ऑक्यूपेशन होता था एग्रीकल्चर। तो यह तीनों डायनेस्टी चाहते थे कि हम कन्नौज पे क्या कर ले, कैप्चर करें। तो वे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे कन्नौज, और कन्नौज ऐसे भी सेंट्रल पार्ट था। तो वे सभी की हमेशा चाहता रहता था कि हम कन्नौज पे हम कैप्चर करें तो हम कैप्चर करें। इसीलिए वे आपस में पल्लव, राजपाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वे आपस में फॉट करते थे, और जिस रीजन के लिए वे फॉट करते थे वह रीजन कन्नौज था। तो आप लोग को समझ में आया, आ गया होगा। अब इनके समय में एक टेम्पल, तो कौन सी टेम्पल फेमस था, तो कैलाश टेम्पल फेमस था, इस तरह से रख सकते हैं एलिफेंटा केव। और इनके समय में जो रिलीजन था फेमस सैवेजिम, शिवाजिम, वैष्णव और जैनिज्म। तो सैव, वैष्णव, जैनिज्म,
ईसा जो रिलीजन था इनके समय में काफ़ी फेमस था। तो सैम रिलीजन क्या होता था? जो लॉर्ड शिव को फॉलो करते थे उन रिलीजन को सैम रिलीजन कहा जाता था। वैष्णव जो लॉर्ड विष्णु को फॉलो करते थे वह वैष्णव कहलाते थे। जैनिज्म जो लॉर्ड महावीर के रूल्स को फॉलो करते थे वे जैनिज्म कहलाते थे। तो इनके समय में यह तीनों रिलीजन काफ़ी फेमस था। अब आते हैं एक अदर किंगडम इन दक्कन रीजन। तो देखिएगा कि दक्कन रीजन में अदर किंगडम कौन कौन से। पहला यादव, ये सब बहुत छोटे छोटे किंगडम हुए, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलता। कहा जाता है इनका जो टेरिटोरी था वह गोदावरी एंड नर्मदा रिवर के बीच में। तो इनका जो भी टेरिटोरी मीन्स रीजन होता है, इनका जो भी रीजन आता था वह गोदावरी और नर्मदा का बीच का जो रीजन था वहाँ पे यादव डायनेस्टी का रूल था। इस सभी को कॉन्क्यूरर कौन किए? तो खिलजी रूलर्स। तो खिलजी रूलर्स क्या किए कि यहाँ के जो रूलर थे उसको वे डेथ करके वार में डिफीटेड करके और इनके रीजन को कैप्चर कर लिए। अब आते हैं चालुक्य। तो चालुक्य के फेमस रूलर कौन थे? अहिहोल और बदामी। इस तरह से याद रख सकते हैं अहिहोल और बदामी इटीसी। अब आते हैं काकातीय। तो काकातीय का कब से कब तक वे रूल किए? तो 12th से लेकर 13th सेंचुरी तक। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि काकातीय कब से कब तक रूल किए? तो 12th सेंचुरी से टू 13th सेंचुरी तक। इनका जो रीजन था वह कहाँ तक आता था? गोदावरी एंड कृष्णा। तब याद रख सकते हैं कि गोदावरी एंड कृष्णा का जो बीच का जो रीजन था वह किस डायनेस्टी का था? काकातीय। अब आते विजिटेड द ट्रेवलर्स। इनके समय में एक ट्रेवलर्स आए थे यूरोपियन ट्रेवलर्स जिनका नाम मार्को पोलो था। आप याद रख सकते हैं कि इनके समय में जो यूरोपियन ट्रेवलर्स थे उनका नाम मार्को पोलो था। इनके समय में रिलीजन जो था वह सैव रिलीजन और जैन रिलीजन काफ़ी फेमस था। अब आते हैं होयसाला। इनका जो एरिया था वह कर्नाटका था और यह क्या किए इस एम्पायर को कौन अनेक्स्ट किए? तो दिल्ली सल्तनत। तो याद रख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में उस समय खिलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ईसा डायनेस्टी फेमस था और इस सभी डायनेस्टी काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी के रूप में क्या हुआ? रोज हुआ और जो भी छोटा छोटा डायनेस्टी था उस सभी के रीजन को अनेक्स्ट कर कर और खूब अपने आप को वे सुपीरियर बने। तो चलिए फर्स्ट वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि किंगडम इन दक्कन, और फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में जो किंगडम इन साउथ रीजन। तो चलिए पार्ट वन आपका यहीं पे फिनिश्ड होता है, फिर पार्ट टू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डेट्स ऑल।